गणपति की पूजा तो हमने बचपन से ही करते आए हैं। कोई भी पूजा, मतलब डेली भी जब पूजा करती हूँ मैं, तो गणपति की एक श्लोक 5-8 तो मैं बोलती हूँ। बाकी ये फेस्टिवल हमारे यहाँ, मैं कश्मीर से हूँ तो ये इस तरह नहीं किया जाता। इन 10 दिनों में हमारे यहाँ कोई एक दिन मोटे रोट बनाए जाते हैं, गुंद के बड़े बड़े, और उसका ये होता है कि आपको बना के मैक्सिमम जितना बाँट सकते हो लोगों को खिलाओ, तो वो एक दिन होता है। और क्योंकि कश्मीरी नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं तो, लेकिन यहाँ का माहौल इतना है, अब मुझे इतने साल, 45 साल हो गए बॉम्बे में, मुझे लगता है पिछले 40 साल से ये है कि ये 10 दिन अंडा घर में नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ पूजा होती है, तो फिर अपना ही मन नहीं करता है। बाकी तो रोज़ ही इनकी पूजा होती है, और फिर जब इतने लोग हैं मुझे लगता है कि सबसे मेल मिलाप होता है जब ऐसे है। देखो वैसे जब भी फेस्टिवल हमारे मनाया जाता है सेट पर भी, तो अगर आप, मेरे तो वही भाव होते हैं जो घर में करते हैं, वो बदलते नहीं। यहाँ तक कि जो किसी सेट पर माता की मूर्ति रखी है, गणेश जी की मूर्ति, चाहे वो सिर्फ सेट का एक हिस्सा, लेकिन मैं पहले वहाँ जा कर के प्रेयर करके आ जाती हूँ। अब गणपति, मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, बहुत बार की गणपति आप भी रखो, लेकिन मुझे मालूम था कि शूटिंग के दौरान नियम पालना मेरे बस का नहीं था। अब सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, पूजा कौन करेगा, बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो मैंने नहीं रखा। मतलब कल भी मैं यहाँ बैठी थी तो मैं सोच रही थी अब तो मैंने काम करना बंद कर दिया है, मेरे ख्याल में अगले साल से रख ही लो। फिर मुझे ध्यान में आया, अच्छा ऐसे नहीं रखती हूँ, रख के, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद वो मेरी फीलिंग है, मैं, मुझे लगता है उसको ला करके फिर क्यों विसर्जन करते हो। तो मैंने सोचा कि मैं
अगले साल अगर रहा सब कुछ ठीक रहा तो ला के फिर धो के फिर उसको आप बंद करके रखिए, नेक्स्ट ईयर फिर उनको निकालिए। तो ऐसा कुछ कल बैठे बैठे, कल मैं आई थी तो सोच रही थी कि चलो अगले साल से ऐसा कुछ करते हैं। आजकल तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जब हम किसी भी भगवान के सामने जाते हैं आस्था तो वही रहती है। शूट में है कि हम स्क्रिप्टेड वहाँ पे रहते हैं, स्क्रिप्टेड तरीके से, तो डायलॉग्स हमारा स्क्रिप्टेड होता है, सिचुएशन स्क्रिप्टेड होता है। बट जब हम वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले तो क्षमा याचना करते हैं कि हम जो भी खाए पिए हैं वहाँ पे जा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए, और उसके बाद हमारी भक्ति आस्था वही होती है, हम उनसे वैसे उसी दिल से प्रेयर करते हैं। इवन आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ तो शूट शुरू भी होता है, पहले गणपति रोल होता है, पहले कैमरा जो है गणपति जी को फोकस करता है, उसके बाद कोई भी आर्टिस्ट कैमरे पे दिखते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि वो आस्था ही है हमारा कि बिना गणपति रोल हम शूट शुरू नहीं करते, तो वो एक विश्वास वही है। तो जब भी हम कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर, और सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ, और कहना चाहूँगी कि आप गणपति में बहुत इंजॉय करें, बहुत मिठाइयाँ खाएँ, लेकिन आप अपने पॉल्यूशन को ध्यान में रखें कि हम इको फ्रेंडली, आप जितने भी गणपति आजकल जनरली लोग कोशिश करते हैं, तो आप जो नहीं किए हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इको फ्रेंडली गणपति ही लेकर आएं और किसी भी तरह की पॉल्यूशन ना बढ़ाएं। पॉल्यूशन तो है ही, पर उसके साथ मैं कहूँगी कि नॉइज़ पॉल्यूशन भी थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत है। हर घर में हो सकता कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार हो, लेकिन हम इतना लाउड कर देते हैं, वो नॉइज़ जो है ना, वो मुझे लगता है कि इट शुड बी वेरी लेस। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से बहुत परेशानी होती है। आखिर में बस एक गणपति का जयकारा हो जाए, यस, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। Thank you.